रावण के रचित भगवान शिव के प्रति श्लोक आज भी साधु समाज में भोजन के बाद बोलता है। जटा कटा हसम भ्रमम, रावण का ये रचित श्लोक है। गुण को लिया जाता है लेकिन दुर्गुण कितना था उसमें, अहंकार कितना था। सज्जनों, अहंकारी व्यक्ति हर जगह मार खा जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार का स्थान मत दीजिए। और परमात्मा तभी मिलता है जब हृदय में अहंकार नहीं रह जाता। जब हम आप शून्य को, शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं, ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो मन में कितनी बातें आती है। आप मोटर चलाते होंगे अपने घर में, स्विच ऑन करते होंगे मोटर का तो पानी आता है। ध्यान में बैठने के बाद इतनी इच्छाएं, मन में इतना संकल्प विकल्प उठने लगता है और वहीं पर जो साधक सजग है, सावधान है, संकल्प विकल्प से अगर वो अपने को हटा लेता है तो उसी समय उनके भीतर में चमत्कार हो जाता है। परमात्मा की विभूति बिंदु है, परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की छवि है बिंदु, और बिंदु का दर्शन कर लेता है साधक। सज्जनों, पहले फोटो ही देखना पड़ता है। फोटो नहीं देखेंगे तो परमात्मा का फोटो क्या है, तो बिंदु है। सद्गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। और ध्यान दीजिए, छवि शुद्ध हिंदी शब्द है। छवि मतलब होता है फोटो। अच्छा, फोटो लोग समझ लेंगे, छवि समझने में थोड़ा टाइम समय लगेगा। ये छवि, फोटो सब समझते हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। प्रभु की छवि है क्या बिंदु, लेकिन जो देखता है ध्यान करते समय, जो देखता है गौर से देखता है, जो गौर से देखेगा, संकल्प विकल्प रहित होकर देखेगा। ध्यान में बैठे खेती शुरू हो जाती है, ध्यान में बैठे रोटी पकाना शुरू हो जाता है, भोजन बनाना शुरू हो जाता है। ध्यान में बैठे कोई कपड़े सिलाने लगते हैं, कोई बीमारी के लिए सोचने लगते हैं। इतनी बातें मन में आने लगती हैं, इतनी बातें आती हैं कि उसी बात में साधक बह जाता है। और यदि शिविर में बैठे हों, ध्यान शिविर में, तो घंटी बज जाती है और पता लगा कि शायद भी दो बार पांच बार जप भी हुआ होगा। घंटा निकल जाता है लेकिन पांच बार जप लोग नहीं कर सकते। यू क्यू के फिजुता जापान से आई सद्गुरु महाराज का दर्शन जब की, सद्गुरु महाराज से उनको दीक्षा प्राप्त हुई, इनिशिएशन दीक्षा प्राप्त हुई। जब सद्गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त की कि मैं भी उस पवित्र गुफा में, द होली लैंड वेर यू हैव मेडिटेटेड, और सद्गुरु योग क्योंकि फिजिता सद्गुरु महाराज से अंग्रेजी में बात कर रही थी,
और सदगुरु महाराज अंग्रेजी में ही उत्तर दे रहे थे। पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को अंग्रेजी में बात करते हुए देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि मैं तो कभी सुना ही नहीं अंग्रेजी में बोलते हुए सदगुरु महाराज को। देखिए संत कबीर साहब भैंसे के पीठ पर हाथ रखते हैं तो भैंसा वेदर ध्वनि करने लगता है। भैंस का जीव, भैंसा का जीव तो बहुत मोटा होता है सज्जन, वो जीव वेदर ध्वनि कैसे करने लगा। संत कुछ भी कर सकते हैं। पंडितों ने कहा कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, इस वेद में क्या है, फलाना वेद में क्या है, उस वेद में क्या है, तो बोले किससे, मुझसे करोगे या जो मैं बगल में भैंसा है उससे करोगे। वेद पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तुम कहते हो तो मैं भैंसा से वेद पढ़वा देता हूं। इम्पॉसिबल कैन पॉसिबल इफ सेंट्स वांट्स, if any saint wants to do such thing, such miracle, he does. वो करके दिखा देते हैं संत महापुरुष लोग। भैंसा से वेद ध्वनि करवा दिया। पंडित लोग सब पंडित आकर के संत कबीर साहब के चरण को पकड़ लिया, बोले महाराज मान गए। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं करते लोग। सज्जनों निवेदन हमारा यही है कि संत कुछ भी कर सकते हैं। तो युग युग फिचुता गुरु महाराज से निवेदन करती है कि वेयर यू हैव सिटेड इन मेडिटेशन, जहां आप बैठे हैं, इफ यू गिव द परमिशन आई वुड लाइक टू सिट ओवर देयर, मैं भी वहां जाकर बैठकर ध्यान करना चाहती हूँ। And this is my humble request in your lotus feet. ये आपके पावन चरण में मेरी प्रार्थना है, ये निवेदन है। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि यू आर वेलकम, यू गो एंड सिट ओवर देयर, जाओ तुम वहां बैठो। और जब वो जापानी महिला बैठ करके गुफा में ध्यान करती है तो सज्जनों जापान की धरती से भारत पर आई हुई महिला बिना जिज्ञासा का, बिना भक्ति का, बिना संस्कार का थोड़ी ना आई थी। तो संस्कार लेकर आई थी, भक्ति से वो तो प्रोत थी। बस सदगुरु ने क्या किया, सदगुरु की मेहर, सदगुरु की कृपा। और जब उनको कृपा प्राप्त हुई, भेद मिला, कृपा भी प्राप्त हो गई, ध्यान में बैठी और ध्यान करके वापस जब सद्गुरु महाराज के चरणों में आकर प्रणाम करती है तो सद्गुरु महाराज ने पूछा हाउ वॉज योर मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा, उस महिला ने निवेदन किया, सद्गुरु मेडिटेशन इज वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बोलती है इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी इजी, बहुत कठिन है और बहुत आसान है। हाउ इट इज सो हार्ड एंड हाउ इट इज सो इजी। तो वे कहती है कि हु इज एबल टू फाइट विथ माइंड, जो अपने मन से लड़ता है, मन से ही तो लड़ने की बात होती है ध्यान में, उसके लिए इजी है। और जो हु इज डिफिटिंग फ्रॉम आवर देयर, वहां जिसकी हार होती है, कहां हु डिफिट्स देयर सेल्फ विथ हिज माइंड विथ हर माइंड, देन इट्स वेरी हार्ड। जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए बड़ा कठिन है। तो ध्यान कभी भी करें, देखिए ध्यान करना गुरु की सेवा है और अपना उद्धार होगा, अपना कल्याण होगा।
गुरु भी प्रसन्न होते हैं, जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से प्रसन्न हो जाता है। जो विद्यार्थी बहुत विनम्र होता है, बहुत आज्ञाकारी होता है, पढ़ने में मेधावी है, तो शिक्षक उससे प्रभावित होता है, शिक्षक उसे स्नेह करने लगता है। उसी तरह से कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ध्यान करता है, तो सदगुरु उनसे प्रसन्न होते हैं। सदाचार का पालन करता है तो उससे सदगुरु प्रसन्न होते हैं। तो हम सबों के जीवन में सबसे बड़ी बात विनम्रता, अहमता नहीं। जिसके भीतर में जितनी अहंता होगी, ममता होगी, वो उतना ही असफल हो जाएगा अध्यात्म जगत में। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी विनम्रता होगी, वे उतने ही सफल हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पर अनायास कृपा हो जाती थी समर्थ रामदास जी महाराज उनके सदगुरु की, अनायास कृपा हुआ करती थी। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज कभी कभी अपने गुरु को बुलाते नहीं थे, गुरु ही चलकर उनके दरबार में उपस्थित हो जाते थे। और छत्रपति को ये नहीं लगता था कि मैं तो राजा हूँ इसीलिए ये आते हैं, महात्मा हो वे, महापुरुष कोई साधारण थोड़ी न थे। वैसी पात्रता थी तो छत्रपति को कभी अहंकार नहीं हुआ। जब सदगुरु उनके दरबार में आते थे और उनकी दृष्टि पड़ती थी तो छत्रपति अपने जूते पैर में नहीं डालते थे, वहीं दौड़ पड़ते थे और गुरु के चरण में दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर और अपने को अहोभाग्य समझते थे। कहते थे कि धन्य अहोभाग्य है मेरा कि मेरे सदगुरु आज मेरे दरबार में पधार गए। तो सज्जनों, अहंकार नहीं। तो मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा था, सुनाने वाला था। एक नंद कुमार तुलसी जी थे जो रेलवे विभाग में बहुत बड़े ऑफिसर थे, जमालपुर में रहा करते थे। उनकी कोठी पर हम लोग भी जाकर सत्संग किए। सज्जनों, नंद कुमार तुलसी नाम था उनका, और उनके छोटे भाई शिव कुमार सदगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आए। नंद कुमार तुलसी जी प्रणाम, बहुत विनम्र पुरुष थे, प्रणाम कर गुरु महाराज के एक ओर बैठ गए। और ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय कुछ देर बाद उनके भाई आए और गुरु महाराज को प्रणाम कर वे भी एक ओर बैठ गए। सदगुरु महाराज को बड़ा बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा कि गुरु महाराज को प्रणाम तो किया लेकिन उनके जो बड़े भाई थे उनको प्रणाम उन्होंने नहीं किया। तो व्यवहार क्या कहता है? तो सदगुरु महाराज ने कहा कि ये जो सज्जन बैठे हैं ये कौन है आपके? नंद कुमार तुलसी की तरफ इशारे करके तो शिव कुमार जी ने कहा कि ये मेरे अग्रज हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, जब आपसे बड़े हैं, आपके भ्राताश्री हैं, तो पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, प्रणाम करना चाहिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा, इतना ही कहा कि प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो आदमी वहां से हिला ही नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सदगुरु महाराज ने कहा कि तब तो आप बड़े समझदार लगते हैं, हमसे भी बड़े लगते हैं, आइए हमसे हाथ मिलाइए। तो वो चला गया हाथ मिलाने के लिए, गुरु महाराज से हाथ मिलाने चला गया। एक एक लोग ही ऐसे होते हैं सज्जनों। So we must understand what is the discipline. We must understand what is the behavior. We must be very behavior. अनुशासन, अपने को अनुशासित, अपने को विनम्र रखना बहुत बड़ी बात है। सदगुरु महाराज से वह व्यक्ति ने ऐसा किया
तो नंद कुमार तुलसी जी और भी सतगुरु महाराज के जो परिकर शिष्य थे सबको बड़ा बुरा लग गया। और शिष्यों ने कहा कि अब आप जाइए यहाँ से, नहीं तो क्या पता अभी सतगुरु महाराज अगर कोई कोप बस दृष्टि डाले तो आपका फिर खैर नहीं होगा। लेकिन बाद में भी गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जबकि वे भी गुरु महाराज से दीक्षा लिया था, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी, प्रणाम नहीं किया। गुरु महाराज क्या कह रहे थे, पाप करो कोई। सदगुरु कभी ऐसा करते हैं, कर सकते हैं? कोई भी संत सदगुरु अपने शिष्य को पाप करने के लिए कह सकते हैं? नहीं, ये तो पाप का हरण करते हैं। सदगुरु का दर्शन होते ही पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। उनके दर्शन मात्र से पाप भागता है, लेकिन कुछ ऐसे अहंकारी शिष्य होते जो अहं की अग्नि का दीपक जलाकर फिरते रहते हैं। अहंकार ईगो, ईगो इज नॉट गुड थिंग। अहंकार कभी भी अच्छा नहीं है, नेवर इट इज गुड, कभी अच्छा नहीं है सज्जनों। सुना उस व्यक्ति का जीवन बहुत ऐसा हो गया कि बाद में दर दर का धक्का खाता रहता था, अच्छा नहीं रहा। गुरु की आज्ञा मानिए, सद्गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा जो मानते हैं। एक पंक्ति में सद्गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की कही भी बातों को कीजिए। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे, अर्पण कीजिए, ये उनकी आज्ञा है। और तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। संसार सागर से सुख से सुख पूर्वक तरना चाहते हैं, संसार सागर को सुख फोन इज नॉट अलॉट, संसार सागर को सुख पूर्वक अगर कोई तरना चाहता है, पार उतरना चाहता है, तो उस शिष्य को चाहिए कि मैं ही आज्ञा पाली, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो हम सबों के जीवन में गुरु इतना, गुरु तत्व इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इतना कि उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब गुरु की वंदना भगवान श्री राम करते हैं, गुरु की वंदना भगवान श्री कृष्ण करते हैं, गुरु की वंदना भगवान शंकर करते हैं, गुरु की वंदना। और भगवान शंकर ने तो कहा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, भगवान शंकर कहते हैं सज्जनों, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मोक्ष मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शंकर की वाणी है, गुरु गीता को पढ़कर देखिए। गुरु गीता में भगवान शंकर ने कहा। तो सज्जनों, गुरु वाक्य को मन में जो बिठा लेता है, और जो संत मत के दीक्षा की विधि है उसमें कोई उपासना छूटता ही नहीं, ऐसी संत मत की उपासना विधि है। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज ये छूट गए, वो छूट गए, वो छूट गए, नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि सत्संगी हैं और ठाकुर जी के मंदिर के बगल से गुजर रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठाकुर जी तो कुछ है ही नहीं, ये बड़ा अपराध हो जाएगा फिर।